बाबा के भक्तों का जयकारा मंदिर परिसर में, आज कैंची धाम में निश्चित रूप से भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह के 9 बजे हैं और बाबा के दरबार में भक्तगण ये इतने दूर से चले आ रहे हैं और लगभग 3-3.5 किलोमीटर का तो ये अभी पंक्ति में ही लगे हुए हैं। और भक्तों का अपना आस्था है बाबा के प्रति, और हो भी क्यों ना, बाबा उन्हें प्यार से बुलाते जो हैं। कैंची धाम जाने वाले भक्तों का इस समय यहाँ पर तांता लगा हुआ है। सड़क में दोनों तरफ ट्रैफिक है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, भक्तों का कारवां लगातार बना हुआ है। जय नीम करौली बाबा, मैं एमपी से आया हूँ, ग्वालियर से, और मैं काफी दिनों से जुड़ा हुआ बाबा से जी। कम से कम 5-6 सालों की तरफ से जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने जो भी बाबा से मांगा है वो बिल्कुल बाबा ने मुझे दिया है। जय नीम करौली सरकार। थैंक यू। ओके, आगरा से आए, यूपी से। ओके, मैं ग्वालियर से आया हूँ। आगरा यूपी से। मैं दिल्ली से। यूके यूके। आप कहाँ से आए सर? मैं हल्द्वानी से आया। अच्छा, हल्द्वानी से आया, ठीक। चलिए, भक्तों का तांता लगा हुआ है, आस्था का केंद्र नीम करौली बाबा अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए तैयार रहते हैं। जय श्री राम, नीम करौली बाबा की जय। क्या भक्तों, आज कैंची धाम में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त सुबह 4 बजे से यहाँ पर आकर के पंक्तिबद्ध होकर के इस तरह से चले आ रहे हैं। अगर मैं पंक्ति की बात करूँ तो कम से कम 3.5 किलोमीटर की लाइन अभी ऊपर है, जो 9-9.25 के आसपास की लाइन थी, और भक्त आ रहे हैं और जा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं। जय नीम करौली। बाबा नीम करौली महाराज की जय। बाबा अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए 15 जून के अवसर पर बुलाते हैं, और भक्त भी पंक्तिबद्ध होकर हजारों लाखों किलोमीटर की यात्रा करते हुए यहाँ पहुँचते हैं और बाबा को अपना शीश नवाते हैं। प्रकृति की गोद में स्थित यह धाम नदी और चारों ओर पहाड़ी से घिरा हुआ है। बाबा अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए 15 जून के अवसर पर बुलाते हैं। जय हनुमान की जय। यह मंदिर का लोग अपनी थकान मिटाने के लिए इस तरह बाइक पर ही बैठ जाते हैं। बाबा नीम करौली के धाम में भक्तों का हुजूम लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये संख्या, ये पंक्तिबद्ध होकर भक्तों का कारवा यूं ही चल रहा है, लगभग 3-3.5 किलोमीटर अभी चल रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आप कहाँ से आए हैं? सितारगंज से। चावल चावल चावल।
चावल चावल लो 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 सर, ये हमारा अभियान जो है बेसिकली जो है पुलिस स्टाफ और जो पैदल श्रद्धालु चल रहा है उसके लिए है। देखो जनरली क्या होता है, श्रद्धालु जो आता है दूर से आता है, हल्द्वानी तो यहीं का पास का एरिया हो गया, रुद्रपुर खटीमा गोलापा काशीपुर रामनगर से आता है, अब उसको रोक दिया जा रहा है भवाली में, भवाली से पैदल आ रहा है, कोई कोई बस में आ रहा है, सुबह 7 बजे का चला है 6 बजे चला है। तो जनरली क्या होता है, वो प्रसाद रूपी 2 मालपुए मिलते हैं हमको, तो प्रसाद रूपी 2 मालपुए मिलते हैं तो वो जनरली घर में जाके सबको प्रसाद के रूप में एक ही बाइट खिलाता है। तो हमारा क्या मकसद है कि थोड़ा थोड़ा सबको मिल जाए और सबका पेट भर जाए। दिन का 2 बज चुका है, श्रद्धालु अभी भी आ रहे हैं।